वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब भाई, होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने जमान में रखे, हम सबके रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखान को वसी करे और आपको हमेशा हसीन और जवान रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी हैंड्स फीट वाइटनिंग क्रीम। और क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा हैंड्स फीट वाइटनिंग की रेमेडीज़ पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए 3 डेज चैलेंज लेके आऊं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि उनके हैंड्स फीट बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे होते हैं, डल हो रहे होते हैं, और ख़ासकर उन लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा मसला होता है जिनका डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है। तो उनके लिए क्रीम बहुत ही बेस्ट है, आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। और जो प्री ब्राइड्स हैं, मतलब जिनकी शादी होने वाली है, उन लोगों ने भी इस रेमेडी को, इस क्रीम को लाजमी यूज़ करना है। और फिर देखिएगा कि आपके हाथ पांव दिनों में कैसे गोरे चिट्टे हो जाते हैं। तो इसको लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल के जो हमारे बॉयज़ हैं, जो ग्रूम्स होते हैं, उनको भी होता है कि हमारी स्किन गोरी चिट्टी होनी चाहिए, हमारा जो कलर है वो फेयर होना चाहिए। तो भाई इस रेमेडी को आप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आपने लेनी है सबसे पहले होमियो क्योर क्रीम, और ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाती है। और ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड क्रीम है। और आपने क्या करना है, आपने इस क्रीम को लेना है और पूरा एक आपने इसको बोल में निकाल लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसको पहले भी यूज़ कर रही हूँ, और मैंने पहले इसको ग्लूपाटोन के साथ मिला के यूज़ किया था और ये थोड़ी सी बची है, तो मैंने सोचा अब इसको दोबारा बना लिया जाए। और आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस क्रीम को मैं लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही थी, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। और उसको मैंने 1 से 2 हफ्ते अभी छोड़ा हुआ है, उसके बाद भी मुझे कोई से साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी 100% आपने इस क्रीम को लाजमी ट्राई करना है। ना ही कोई साइड इफेक्ट है यूज करने के, और ना ही छोड़ने के बाद आपकी स्किन खराब होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेना है 2 चम्मच कोई भी लोशन, जो भी आप लोशन यूज करते हैं वो ले लें। तो लोशन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये वाली जो क्रीम्स होती है ना, ये थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, ऐसी क्रीम्स को आपने कभी भी अकेला यूज नहीं करना है, फॉर्मली के साथ यूज करें ताकि आपको उसके बेटर रिजल्ट्स मिले और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। तो अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, हैंड्स को सॉफ्ट बनाती है। तो ये वाली जो क्रीम है वो बेसिकली सिर्फ आपको व्हाइटनिंग नहीं देगी, आपके हैंड्स को बेबी सॉफ्ट भी बनाएगी। साथ ही जो लोगों के हाथों पर कुछ निशान बन जाते हैं, या कोई जलने का निशान हो जाता है, या कोई दाना वगैरह हो जाता है उसका निशान रह जाता है, तो आपके वो सारे मार्क्स भी इस क्रीम को यूज करने से खत्म हो जाएंगे। तो आपने क्वांटिटीज का ख्याल रखना है, आपने 1/2 चम्मच ग्लिसरीन लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको इस पर ऐड करनी होगी क्लॉबीवेट क्रीम, और ये आपको ट्यूब किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। कुछ लोगों को क्लॉबीवेट क्रीम नहीं पसंद होती और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है इसके फॉर्मूले वगैरह, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहे तो मत करें। करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने बहुत सारी फॉर्मूला क्रीम्स खुद ही यूज़ की हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हैं, उनमें क्लॉबीवेट क्रीम भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, ना मेरी स्किन कोई पतली हुई है। तो आपने क्वांटिटीज़ का ख्याल रखते हुए हर चीज़ को यूज़ करना है, तो आपको इंशाल्लाह उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी 1/2 टीस्पून जितनी क्लॉबीवेट ट्यूब लेनी है, और आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं वाइटनिंग कैप्सूल, और ये भी आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिलेंगे। और आपने 2 वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं, उसको कट करना है, और उसका जो मिल्की सा टेक्स्चर है वो आपने सारा ऐड कर देना है क्रीम में। तो इस क्रीम से आपके हैंड्स फीट एकदम गोरे चिट्टे हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं, उससे नेक का कलर भी आपका ब्राइट होगा, साथ ही आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, डल स्किन को ख़त्म करेगा, डैड स्किन को भी रिमूव कर देगा, और जो आपके डार्क नकल्स हो रहे होंगे वो भी अच्छे से वाइट होंगे और आपकी स्किन इवन हो जाएगी। तो आपने सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, और यहाँ देखिए कितने मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्स्चर हो गया है। अब ये ईजिली आपको अप्लाई हो जाएगी, और इसका जो मतलब जो आपकी स्किन को ड्राई करने वाली थी अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें मॉइस्चराइज़र भी ऐड किया है और ग्लिसरीन भी ऐड की है। तो आपको इसके पूरे 100% बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लाजमी से ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दिया करें, इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं।
तो आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी सी रेमेडीज लाती रहूंगी। कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्या कहने हैं, आपने सारी क्रीम एक कंटेनर में डाल देनी है, उसी बॉक्स में जिसमें ये क्रीम थी पहले से। बात कर लेते हैं यूज किस तरह से करना है आपको। रात को सोने से पहले इसको अपने हैंड्स पे, फीट पे लगाना है, नेक पे भी लगा सकते हैं, फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। जो चीज फेस के लिए बताऊं उसको फेस पे लगाया करें, और अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट लाजमी कर लिया करें, ताकि आपको कोई उससे प्रॉब्लम ना हो। तो आपने क्या कहना है, सोने से पहले इसको लगाना है और सुबह उठ के हाथ मुंह अपने, मतलब हाथ पांव धो लेने हैं, और ये आपने इसको लगाते रहना है। अगर आप छोड़ना चाहें तो पहले आपने इसको एक महीने पूरा करना है, उसके बाद आप चाहें तो बेशक छोड़ दें। उसके बाद आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा छोड़ने से भी, क्योंकि मैं भी इसको छोड़ के देख चुकी हूँ। 2 हफ्ते तक मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पर कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया, स्किन का कलर वैसे ही है। तो आपने अगर छोड़ना हो तो इस तरह से आपने इसको अल्टरनेट डेज में यूज़ करते हुए छोड़ना है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा करें, वरना आपको डेफिनेटली उसका बैड इफेक्ट ही पड़ेगा। तो आई होप आपको रेमेडी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।